राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित परिसर मंडपम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शिक्षकों के समागम को संबोधित किया और कहा कि यह शिक्षा नीति देश के बच्चों के भविष्य को निखार कर उन्हें शक्तिशाली बनाने में कामयाब होगी। आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बच्चों द्वारा बनाई गई खास प्रदर्शनी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है और इसमें आधुनिक युग बढ़ते भारत को दर्शाया गया है। इससे ये बात साबित होती है कि देश दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनता जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी काफी प्रभावशाली साबित हो रही है, जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नव निर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नव निर्मित भारत मंडपम में हो रहा है और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम होगा। साथियों, काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। संयोग से आज हमारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेवेलियन में लगी रही प्रदर्शनी देख रहा था। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में CBSE स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए NCERT नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह
उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। इस खास अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक छात्रा द्वारा बनाई गई बेहद खास पेंटिंग को भी उन्हें सौंपा गया। इस दौरान भारी जन समूह को भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा का स्तर अब काफी बढ़ा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो उन्हें काफी खुशी भी हो रही है। इस दौरान पीएम श्री की राशि भी विभिन्न स्कूलों में भेजी गई। खास बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश को शक्तिशाली बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस भव्य भारत मंडपम का देश को लोकार्पित किया गया। आज यहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन होना नए भारत नेतृत्वकर्ता भारत के लिए गौरव की अनुभूति का पल है। NEP 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में 21वीं सदी के नए भारत का पथ प्रशस्त करने वाला मूल दर्शन का प्राण तत्व है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत पिछले वर्ष वाराणसी में उच्च शिक्षा पर केंद्रित हुई थी। आज जब हम सब दूसरे शिक्षा समागम का साक्षी बन रहे हैं तो उसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल युक्त शिक्षा तीनों समाहित है। यह हम सभी के लिए सुखद अनुभूति है कि हम वाराणसी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिला था और आज भी हमें उनका सानिध्य और प्रेरक मार्गदर्शन का अवसर मिल रहा है। 2014 से ही देश की शिक्षा नीति को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन प्रेरणा देने वाला रहा है। इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टागोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी से लेकर मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने जिस समग्र और बहुआयामी शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। आजादी के कालखंड में संविधान निर्माण में हुई विस्तृत बहस और चर्चा के बाद यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक लोक परामर्श और जन भागीदारी के साथ कोई जन मसौदा तैयार हुआ है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो भारत की शिक्षा के प्रति भारत की भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपनिवेशवाद की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग खोलने वाला है। देश की विभिन्न भाषाओं में भविष्य में जो शिक्षा विद्यार्थी लेंगे वह वास्तव में ही देश को आगे बढ़ाने में शक्तिशाली साबित हो। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अतिरिक्त अन्य काफी बच्चों ने भी भाग लिया। वहां लगाई गई एक प्रदर्शनी में वास्तव में ही आधुनिक भारत की झलक भी नजर आ रही थी। राजेश खत्री, नई दिल्ली, प्रगति मैदान, मंडपम।